तो लीजिए आपको आज पुष्कर की पतंगबाजी से रूबरू कराते हैं। मकर संक्रांति पर पुष्कर में बहुत सारी पतंगें उड़ती है, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पतंगबाजी का खूब मज़ा लेते हैं। हमारे यहाँ परिक्रमा मार्ग में गोरी छिपा ने शानदार पतंगबाजी की है, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से पतंगबाजी कर रही है गोरी, और उसकी बड़ी दीदी सहेली ये देखिए आप दीक्षा शर्मा भी पतंगबाजी में मशगूल नज़र आ रही है। ये देखिए गोरी ने एक पतंग काट दिया है और वो कटके जा रहा है, और युवान वो काटा के नारे लगा रहा है। ये देखिए आप किस प्रकार से लोग एक दूसरे की छतों पर आ रहे हैं जा रहे हैं। पतंगबाजी की बात हो और विदेशी पर्यटक पतंग नहीं उड़ाए ऐसा हो नहीं सकता है। विदेशी पर्यटक पतंग उड़ाने के लिए ही पुष्कर आते हैं, और विदेशी पर्यटक भी पतंगबाजी का खूब आनंद ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप हमारी रिपोर्ट में विदेशी पर्यटक किस प्रकार से पुष्कर में पतंग उड़ा रहे हैं। ये देख सकते हैं पुष्कर की छतें विदेशी पर्यटकों से अटे पड़ी है। जिस प्रकार से पहले ही मैंने बताया था कि पुष्कर में पतंगबाजी हो और विदेशी पर्यटक उसका लुत्फ़ नहीं उठाए ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखिए होटल और गेस्ट हाउस घरों की छतों पर विदेशी पर्यटक किस प्रकार से पतंगबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। या आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक किस प्रकार से पुष्कर में पतंगबाजी का जोरदार आनंद ले रहे हैं, और स्थानीय लोग भी इनके साथ खूब पतंगबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिनेश पाराशर ब्रह्म पुष्कर न्यूज़, देखते रहिए हमारा चैनल। पुष्कर की खबरों के लिए हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आपके पास भी है कोई सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक या आपराधिक खबर तो आप हमें भेजिए, हमारे चैनल में हम आपकी खबर जरूर दिखाएंगे। दिनेश पाराशर ब्रह्म पुष्कर न्यूज। यस What's your good name?